हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। तो आज मैं पनीर और पालक, दोनों बच्चों को पालक पनीर खानी है तो पालक पनीर की रेसिपी बनाने चल रही हूं। तो आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर हो ही जाना है। तो मैं इसको ढक दे रही हूं पालक को थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए। मसाले चल रही हूँ तैयार करने। यहाँ पे अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज, टमाटर सबको एक साथ पीस ले रही हूँ। पीस के फिर मिलती हूँ। ये पीस गया है। आइए कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। डाल दिया जीरा 1/2 चम्मच, ये जो हमने मसाला पीसा है वो डाल दें। अभी पालक उबल गया है, इसको हल्का सा ठंडा होने दे रहे हैं और इसको डाल दे रहे हैं जार में। जार में डाल दे रहे हैं, इसको पीस लेंगे। देखिए अब इसको डाल के इसको पीस लेते हैं। डाल दे रहे हैं नमक, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। पालक में नमक हमेशा तेज हो सकता है। जरा सा हल्दी, इतना जरा सा गरम मसाला, बहुत जरा सा लाल मिर्च। आप चाहे तो अमचूर डाल सकते हैं, थोड़ा सा अमचूर खटास के लिए। अब इसको भून लें। तो जार में जो पानी लगा है उसको धो के, मसाला जो लगा है उसमें पानी डाल के धो के उसको भी डाल देते हैं, जिससे मसाला अच्छे से पक जाए, जले ना थोड़ा। क्योंकि मैंने तेल कम ही डाला है इसलिए, कम डालने की वजह से इसमें पानी डाल देंगे, जल्दी पक जाएगा और जलेगा नहीं। इधर मसाला हो रहा है, इधर हम थोड़ा टमाटर इसी में पीस लेंगे। दो टमाटर पीस लेंगे। टमाटर पिस गया, टमाटर को डाल देते हैं। अभी मसाले को पकने देते हैं। अभी इसमें छींटा लगेगा इसलिए इसको थोड़ी देर ढक देते हैं। इधर ही पालक को भी पीस लेती हूँ जब तक मसाला अभी हो ही रहा है। अब पनीर को डाल दे रहे हैं, फिर मसाला में ये कोट हो जाए। पालक पिस गया। ये देख लेते हैं। अब देखिए अच्छे से ना, देखिए किनारे किनारे घी छोड़ दिया है ना, अब ये बन के तैयार है। यहाँ पे अपना पालक पनीर बन के तैयार है, आइए सर्व कर लेते हैं। पालक पनीर बन के तैयार है, कैसी लगी आप सबको रेसिपी जरूर बताइएगा। एलोवेरा मेरा बच गया है, सारे पौधे तो मुरझा गए थे लेकिन एलोवेरा का गमला बड़ा होने की वजह से पानी एक बार डाल दो तो 15-20 दिन चल जाता है, इसलिए ये बच गया। उस बीच जब हम लोग घर गए थे तो समय बारिश भी हो रही थी, तो बच गए हैं 4। और अब मैं सब्जी वगैरह बना चुकी हूँ क्योंकि पार्क चलूंगी टहलने के लिए, आजकल शाम को ही जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कपड़े फोल्ड कर लूँ। कपड़ों की तो आपको क्या बताऊँ, कितने कपड़े डले हैं।
लाइन लगी है। तो सबसे पहले मैं फोल्ड कर लेती हूँ कपड़े, उसके बाद इधर तेज धूप है तो आपको दिखाऊं कपड़े ही कपड़े डले हैं। इसको फोल्ड कर लेती हूँ, ये सब चादरें वगैरह सारे धो रखे हैं, ये सब कर लेती हूँ फोल्ड। सर्दियाँ एक तरह से बिल्कुल कम हो गई हैं और ये सिल्क वाले चादर लू वाले काम नहीं आने वाले, बहुत मोटे हैं और सिल्क में गर्मी लगती है। अब ये सब रखने का टाइम आ गया है और रखूंगी। सारे कपड़े फोल्ड करके, सारे कपड़े मान लीजिए फोल्ड करके यहीं पे पूरा लगाती जाऊंगी। सबके कपड़े यहीं पे अलग अलग फोल्ड कर देती हूँ, मेरे लिए आसान हो जाता है, सबकी अलमारियों में फटाफट रख देती हूँ। तो यहाँ पे बिभू आके मेरे से कोई कह रहे हैं जल्दी चलो पार्क, जल्दी चलो पार्क। मैंने कहा रुक जाओ, जल्दी जल्दी मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। और मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसलिए कि फटाफट पूरा हो जाए। तो ये देखिए मैं किस तरीके से अलग अलग जो चादरें हैं उनको अलग लगाती हूँ, सबके विभू कपड़े अलग, गुड्डा के अलग, मेरे अलग, फिर सबकी अलमारी में फटाफट रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं हमेशा से आदत है यहीं के यहीं कपड़े फोल्ड करके सीधा कोई बेड पे ले जा कर रखो तो वो सिकुड़ भी जाते हैं और फिर फोल्ड करो तो जो है फिर घंटे भर उसमें बैठ के मेरे से मज़ा नहीं आता। यहाँ हम लोग पार्क आ गए तो ये गुड्डा टहल रही हैं, इधर मैं टहल रही हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।